नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। करनाल के सेक्टर 6 के समीप बना साईं मंदिर आज प्रदेश भर में विख्यात है। दूर दूर से लोग यहाँ अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ पर आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। यह कहना है इस मंदिर के निर्माण के लिए सबसे पहला कदम उठाने वाले मंदिर के फाउंडर चेयरमैन हरिओम अग्रवाल का। करीब 53 साल पहले साईं की फोटो को देखकर वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ठान लिया कि करनाल में साईं मंदिर का निर्माण करेंगे। उनकी इस जिद से पहले शायद ही बहुत से कम लोग साईं बाबा के बारे में जानते थे और उनको मानते थे, लेकिन हरिओम अग्रवाल की जिद ऐसी रंग लाई कि अकेले आदमी के प्रयास से ऐसा काफिला बना कि जो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ वर्ष पहले जहां करनाल के साईं मंदिर के बारे में लोगों तक कुछ ज्ञान नहीं था, वहां प्रतिदिन हजारों भक्तों की भीड़ लगती है। प्रतिदिन सैकड़ों लोग यहां बाबा का आशीर्वाद भी लेने के लिए आते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति की कामना करते हैं। इस बारे में मंदिर के फाउंडर चेयरमैन हरिओम अग्रवाल का कहना है कि मंदिर में जो भी साईं का हाथ पकड़ेगा, साईं उसका हाथ नहीं छोड़ेंगे, भले ही कितनी बड़ी विपदा हो। आज समाचार एक्सप्रेस की टीम ने करनाल स्थित साईं मंदिर का दौरा किया और वहां मौजूद कई लोगों से बातचीत की। बातचीत के दौरान ऐसे हैरानीजनक पहलू सामने आए जिन्हें सुनकर और देखकर हर किसी को अचंभा होगा कि साईं की पूजा मात्र से अथवा साईं का साथ पकड़ने से कैसे विपदाएं दूर होती हैं। आपको बता दें कि हर वर्ष दशहरे के दिन साईं का निर्वाण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन साईं बाबा ने समाधि ली थी। तब से लेकर अब तक साईं भक्त प्रत्येक वर्ष दशहरे के दिन साईं निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह प्रक्रिया कैसे संपन्न की जाती है, इसकी पूरी जानकारी वहां मौजूद साईं भक्तों ने दी। साईं भक्तों का कहना है कि साईं बाबा के कुल 11 वचन हैं, जो इन वचनों की पालना करता है वह कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि साईं बाबा का कहना है कि उन्हें मानो या ना मानो परंतु उनकी बात जरूर मानो। इसीलिए जो भी भक्त साईं की शरण में आएगा वह कभी किसी मुसीबत का शिकार नहीं होगा। जैसे जैसे साईं की ओर कदम बढ़ेंगे विपदा अपने आप दूर होती चली जाएगी। देखिए यह एक विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय मौजूद हूं करनाल के सेक्टर 6 के निकट स्थित शिरडी साईं मंदिर में। आपको बता दूं कि यह इस मंदिर की जितनी मान्यता है उतनी ही भीड़ यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस मंदिर के निर्माण की जो कहानी है, इस मंदिर के निर्माण की जो कहानी है वही इतनी महान मानी जाती है, इतनी महान है कि उसे सुने बिना कोई रह नहीं सकता। अगर उसे कोई सुन लेगा तो वो भी हैरान रह जाएगा। मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण का बीड़ा उठाया था। मेरे सर मौजूद हैं इस मंदिर के फाउंडर चेयरमैन श्री हरिओम अग्रवाल जी। हरिओम अग्रवाल जी, सबसे पहले आपका समाचार एक्सप्रेस में स्वागत है और जय साईं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में और साईं राम जी आपको। हरिओम अग्रवाल जी, आप इस मंदिर के फाउंडर चेयरमैन हैं। आपने इस मंदिर के निर्माण के लिए ना जाने क्या क्या त्याग किया, क्या क्या बलिदान किया, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ये साईं के चरणों से मिली है। मैं बाबा का 53 साल से भक्त हूँ और बाबा के जब से दर्शन मैंने किए हैं, ये मैंने पहले ही बताया कि मैं एक जगह मार्केट के अंदर था और मैंने बाबा की फ़ोटो देखी, पता नहीं क्या हुआ दिल से बस बाबा। सबसे पहले आप ही लाए थे करनाल में बाबा की प्रतिमा को? हाँ, ये मैं बाबा के प्रति करनाल में तो शुरू से ही था, लेकिन जो संस्था बनाई मैंने 2000 में बनाई, सन 2000 में। अच्छा, इस मंदिर के निर्माण के लिए आपने कई त्याग किए, सुनने में यह भी आया कि आपने लोगों के आगे हाथ भी फैलाए, चंदा भी लिया, चंदा भी मांगा। हाँ हाँ, कि इसमें कितना कुछ सकता है? ये सब कुछ करा मेरे को, मतलब ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी बड़ी मदद करी, जो DC मलिक थे उन्होंने बहुत मदद करी। ये DC क्या नाम था इनका, ये जो बाहर लगे हुए हैं, हाँ दून साहब ने बड़ी मेहनत की है और उन्होंने मतलब ये नीम का पेड़ जो हम शिरडी से लाए वो भी उन्हीं के हाथों से लगा हुआ है। और बाकी जो हुड्डा है या मतलब जो भी आदमी एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत साथ दिया उन्होंने मतलब इस मंदिर के निर्माण में, अन्यथा करनाल के अंदर तो कोई भी बाबा का भक्त नहीं था। और आज ये हालत है शायद हर घर में बाबा का ही बात। इस समय हमसे कम से कम नहीं तो 50,000 आदमी करनाल का जुड़ा हुआ है। आप अकेले चले थे?
हाँ मैं अकेला चला था, मेरे को करनाल में कोई नहीं मिलता था जो बाबा का भक्त हो, जिससे कहता था भाई आओ, कोई नहीं आता था कि सब फ्रॉड है। लेकिन पता नहीं कैसे सारे जुड़ गए। शुरू में परेशानियों का सामना, बहुत परेशानी का सामना। किस तरह की परेशानी आपको आई? ये परेशानी मेरे को सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल तो परेशानी कभी नहीं हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी हुई कि कॉपरेशन नहीं मिला किसी का भी करनाल में। और फिर जब मिला कॉपरेशन तो इस तरह से मिला कि मैं उसको आज तक गुनगाता रहता हूँ। देखिए ये थे हमारे साथ इस मंदिर के फाउंडर चेयरमैन श्री हरिओम अग्रवाल जी। मैं आपको बता दूं कि पिछले 53 सालों से बाबा जी के भगत हैं। इनका ये कहना है कि करनाल प्रशासन इनका भरपूर सहयोग किया है। शुरू में इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इवन कि लोगों के सामने हाथ तक फैलाने पड़े और लोग इनको फ्रॉड तक कहने लगे थे। लेकिन आज हालात और आज समय ऐसा आ गया कि आज तकरीबन करनाल के हर घर में साईं बाबा विराजमान हैं और 50,000 से अधिक लोग इनके साथ जुड़ चुके हैं। अब मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है करनाल के इस मंदिर के आजीवन सदस्य एडवोकेट जगदीश चावला जी। चावला सर, साईं राम आपको। साईं राम जी, साईं राम। इस मंदिर के निर्माण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक साईं बाबा का संबंध है, मैं साईं बाबा से 2007 से जुड़ा हूँ। सबसे पहले हम शिरडी गए, बाबा के दर्शन किए। बाबा ने कहा कि आप इतनी दूर मेरे दर्शनों के लिए आए, मैं तो करनाल में अग्रवाल साहब ने मुझे विराजमान कर दिया है कि आपने उन्होंने वहाँ मंदिर की स्थापना की है, आप वहाँ जाया करो। तो 2007 से इस मंदिर से जुड़े हैं। जहाँ तक इस मंदिर का के निर्माण का सवाल है, छोटे रूप से लेकर और इतना विशाल मंदिर, इसका अगर सारा अगर कोई श्रेय जाता है अकेले व्यक्ति को जाता है तो श्री हरिओम अग्रवाल जी को जाता है और सारी इनकी टीम को जाता है। इन्होंने बाबा की प्रेरणा से, मैं कहता हूँ इस मंदिर की जितनी तारीफ़ की जाए, जितना इस मंदिर ने इतनी जल्दी प्रगति की शायद ही किसी मंदिर ने की हो। जैसे बाबा रामदेव ने सारे हिंदुस्तान में और विश्व में योगा का घर घर में प्रचार हुआ, गली मोहल्ले में योगा होता है, ऐसे सारे ज़िले करनाल में घर घर में अगर साईं ज्योति जलवाई है तो अग्रवाल साहब ने जलवाई है। मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ और इनको साधुवाद देता हूँ। जहाँ तक साईं बाबा का संबंध है, साईं बाबा रामनवमी वाले दिन नीम वृक्ष के नीचे 16 वर्ष के आयु में प्रकट हुए थे शिरडी में, और कल दशहरे का शुभ दिन है, कल उनका निर्वाण दिवस है। उन्होंने पहले ही अपनी भविष्यवाणी कर दी थी कि दशहरे वाले दिन ही मैं अपना चोला छोड़ूंगा। तो आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं अग्रवाल साहब का, आज रामनवमी अष्टमी और रामनवमी और कल दशहरे का दिन है। कल भी यहाँ एक उसको उत्सव मनाया जाता है दोपहर तक, उसके बाद पूरे विधिवत तरीके से बाबा का जो है उसका विसर्जन होता है। आके हमारे साथ एडवोकेट जगदीश चावला जी, हरिओम अग्रवाल जी हमारे से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी सर, हम आप यहाँ के लोकल और सारों के सहयोग से बहुत बड़ा एक बिरला आश्रम बना रहे हैं, जिस जो कि कंस्ट्रक्शन हो चुका है 6500 फुट का, जिसके अंदर नीचे बेसमेंट है, 6500 फुट का ऊपर हॉल बन चुका है, बाकी कार्य होना शुरू है। इसके कागज़ जो है सरकार के पास पेंडिंग पड़े हैं। हम चाहते हैं सरकार जो है हमारे नक्शा पास करे, उसके बाद ही हम बनाएं कि कल न कोई हमें प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अगर हम अप्रूव्ड कॉलम वो बनाएंगे तो शायद कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम दरख्वास्त करते हैं, मतलब ये नगर परिषद से या नगर कॉरपोरेशन से, कि वो हमारा नक्शा जल्दी से जल्दी पास करे। ये देखिए हरिओम अग्रवाल जी की आम सरकार प्रशासन से वो अनुरोध है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा हॉल बनाने जा रहे हैं जिसमें बना चुके हैं, लेकिन इनको कुछ वृद्ध आश्रम बना रहे हैं, जिसके लिए वे चाहते हैं कि इस प्रशासन से जल्दी से जल्दी मंजूरी मिल सके ताकि उसे चालू किया जा सके। अब मेरे साथ और साईं भक्तों के मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। मैम आपका ओम साईं नाम अंजू। अंजू मैम, हमने सुना है, पढ़ा है, देखा है, लिखा है कि साईं के दरबार में जो भी शीश नवाता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, जो साईं दरबार में जाता है उसके मन से हर दुख, उसके घर से हर दुख दूर हो जाता है। ठीक बात। आप इस पे कितना कुछ कैसे करते हैं? साईं से सब कुछ मिला है मुझे तो, मतलब साईं की कृपा इतनी है कि सब कुछ साईं से ही मिला है। आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं 2005 से। 2005 से। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम किरण शर्मा है और मैं 30 साल से बाबा की भक्त हूँ और बाबा की बस दासे हैं, हम दास हैं बस। सब देखिए ये हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं। मैं ये हमारे साथ एडवोकेट
बलवीर धारा जी एडवोकेट जो कि इस मंदिर के ट्रस्टी हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है और आपको समाचार एक्सप्रेस की तरफ से ओम साई राम। ओम साई राम। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, कल बाबा का निर्वाण दिवस है, इसको कैसे और किस तरह से मनाया जाता है? हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं ताकि आम जनता तक यह सूचना मिल सके और लोगों को इस निर्वाण दिवस की प्रक्रिया का पता चल सके, और जो लोग भूले भटके हैं, जो रास्ता भटक चुके हैं, रास्ता भटकने का मतलब है कि जो अपना दूसरे रास्तों पर चल चुके हैं, वो भी बाबा के शरण में आ जाए, उनके भी सारे कष्ट। सबसे पहले तो भाई ये है कि मैं मतलब सन 89 से श्री साईनाथ की शरण में हूँ। सबसे पहले शिरडी में मैं गया था और मुझे तो हर पल हर वक्त हर क्षण हर मुसीबत में बाबा का साथ मिला और साक्षात दर्शन होते हैं। तो मैं तो जो जहाँ तक आपने निर्वाण दिवस की बात आई है, ये निर्वाण दिवस मैंने शिरडी में भी मनाया है। इसका यह 15 अक्टूबर 1918 को श्री साईनाथ ने आज के दिन समाधि ली थी और हम इस दिवस को निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। पर अंदर से हमें भी महसूस होता है कि भाई चलो आज बाबा उस दिन समाधि ले गए। और जहाँ तक साईं की कीर्ति है, इसका मतलब जितना तजर्बा मुझे हासिल हुआ शायद मैं तो मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे जीरो से और हीरो तक वही लेके गए और हर तंगी में हर मुसीबत में मैं रहा, लेकिन मैंने साईं का साथ नहीं छोड़ा और साईं ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। साईं ने एक ही वचन दिया है भाई, आस्था और विश्वास। जिस व्यक्ति का इसके ऊपर विश्वास है उसका साईं कभी हाथ नहीं छोड़ते। उस पर अनेकों मुसीबत आएंगी, खाने पीने रहने मकान हर चीज़ की आएंगी, पर यदि वो मतलब आपका निशा आपका जो विश्वास है उस पर दृढ़ है तो वो आपका साथ देगा। देखिए, ये हमारे साथ थे एडवोकेट बलबीर धारा जी, इन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी कि अगर आप साईं के साथ जुड़े हैं तो साईं आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आपके ऊपर अनेकों मुसीबतें हैं लेकिन साईं का हाथ पकड़ के रखिए, साईं आपकी मुसीबतों को दूर करेंगे। मैं और बात करने का प्रयास करूँगा और लोगों से। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर आप भी ट्रस्टी हैं इस मंदिर के, आप कब से जुड़े हैं? मैं 2007 से मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। बाबा की पूरी कृपा हुई है, जितने भी दुख हैं सब दुख कष्ट दूर हुए हैं 2007 से लेके आज तक, आगे भी जब तक जीवन है बाबा के चरणों में पड़े। हरिओम अग्रवाल जी, एक चीज़ बताइए, जो मंदिर में है, मंदिर के अलावा और ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो गरीब लोगों की, गरीब समाज के लिए आपके द्वारा या मंदिर के द्वारा की जाती हैं? हम जो है, जो गरीब आदमी है अगर वो हॉस्पिटल की पर्ची लेके आता है, हम उसको मेडिसिन दिलाते हैं। हम यहाँ पर गरीबों के लिए खाने का अरेंजमेंट करते हैं, यहाँ भंडारा होते रहते हैं, भोजन हम बाहर भी कॉलोनियों में भी बांटते हैं, और जो ये पीछे जो बंद था उसमें भी हमने भंडारे बांटे हैं, लेकिन हमने शो नहीं करे हैं, भंडारे बांटे हैं हमने खूब। आज भी भंडारा, कल भी भंडारा, कल भी भंडारा होगा खूब बड़ा, गरीबों के लिए करते हैं। हवन करा हमने, ये जन कल्याण हेतु किया है। अच्छा, यह हर महीने यहाँ पर फर्स्ट वीक को राशन बांटता है, कम से कम 251 आदमियों को राशन बांटा जाता है। ये देखिए, हरिओम अग्रवाल जी ने हमें बताया किस तरह से मंदिर में कई तरह की ऐसी गतिविधियों को संचालित किया जाता है जो गरीबों के लिए अति महत्वपूर्ण है। गरीबों को मुफ्त राशन वितरण किया जाता है, इवन कि अगर कोई बीमार व्यक्ति अपने अस्पताल की पर्ची लाता है तो उसकी दवाई का प्रबंध भी मंदिर के द्वारा किया जाता है। मैं अब बात करूँगा जगदीश चावला जी से। जगदीश चावला जी, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर एक पेड़ है नीम का, ये उस समय तक का, उस समय के डीसी रह चुके आरएस धून ने इनका पौधा रोपण किया था। ये शिरडी से आया हुआ पौधा है नीम का, क्योंकि मान्यता है कि साईं बाबा रामनवमी वाले दिन शिरडी में नीम के वृक्ष के नीचे उनके प्रकट उत्सव होता, वो प्रकट हुए थे, तो ये पौधा वहाँ से आया हुआ है और आज एक विशाल नीम का वृक्ष ये बन गया है। ये देखिए शिरडी, ये देखिए नीम का पौधा, मैं अभी हम आपको दिखाएंगे नीम का पौधा जो शिरडी से लाया गया था, उसे यहाँ पर लगाया था, आज वो एक विशाल का वृक्ष का रूप ले चुका है। अब बात करने का हम और लोगों से प्रयास करेंगे जो हम इस मंदिर के बारे में विस्तार से जानकारी दे पाएंगे। हाँ जी मैम बताइए, मंदिर की क्या मान्यता? साईं बाबा मंदिर, ममता बोल तू, साईं बाबा मंदिर मतलब जो भी आता है उसको सब कुछ यहीं से मिलता है,
और बाबा की बड़ी कृपा है सब पे। और ये मंदिर मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या पूरे करनाल में इतना मशहूर है ना हमारा मंदिर साईं बाबा का, और मन की इतनी शांति मिलती है यहाँ आके, चाहे आप सारा दिन मंदिर में बैठे रहो आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं घर जाऊँ। इतनी कृपा है बाबा की कि इंसान के पास अगर जो मांगते हैं हम यहाँ से मिलता है। जो नीम का पेड़ यहाँ पर लगाया गया है, हाँ जी, उस समय लगाया गया था नीम का पौधा जो शिरडी से, हाँ शिरडी से आया, अब वो पौधा एक वृक्ष का रूप धारण कर रहा है। नीम के क्या मानना है? इसकी बड़ी मानता है कि कोई भी बीमारी हो हम एक पत्ता खा लेते हैं नीम का, है ना, या अपने घर में रख लेते हैं तो बड़ी श्रद्धा से लोग तोड़ते हैं। अगर शिरडी में तो मिलता नहीं, पहले मिलता था, अब यहाँ भी लोग जो जगाते हैं नीम के वृक्ष के नीचे। देखिए जो पौधा जो शिरडी में नहीं मिलता वो यहाँ पर मिलता है, नीम का पौधा जिसे उस समय DC RS दून ने लगाया था, उस पौधा आज वो बड़ा एक पेड़ का रूप धारण कर चुका है और इसकी इतनी मान्यता है क्योंकि रामनवमी के दिन साईं बाबा ने इसी वृक्ष के नीचे ही प्रकट हुए थे। मैं आपको बता दूंगी दशहरे के दिन साईं बाबा ने अपना चोला छोड़ा था, उस दिन को निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरे सामने आप देख सकते हैं किस तरह चांदी के सिंहासन पर विराजमान है साईं बाबा, ये चांदी के सिंहासन पर। इसके अलावा मंदिर के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। हर तरफ आप अब मेरे साथ मौजूद हैं, अब मेरे साथ मौजूद थोड़ा सा इनसे भी पूछ लेना, ये बड़ा अच्छा जानते हैं, शिरडी से आए हैं। अब मेरे साथ मौजूद हैं शिरडी से आए हुए एक सज्जन हैं। सर आप साई, आपको सबसे पहले समाचार एक्सप्रेस की टीम की तरफ से ओम साईं राम जय साईं राम। आप साईं बाबा जी के बारे में क्या और क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमने ये तो सुना है जो साईं चरण में आएगा आपका दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले तो की पीढ़ी पर। तो साईं बाबा जी के 11 वचन हैं, उन 11 वचनों का क्या मूल है, उन 11 वचनों की क्या मान्यता है और उनसे क्या व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? प्राप्त तो पहले तो करने की ज़रूरत होती थी लोगों को, आजकल तो ज़रूरत पड़ती नहीं, ऑलरेडी सब फुलफिल है। जिसका फुलफिल नहीं है, कुछ हमारी बहन बेटियाँ, कुछ हमारे भाई लोग किसी भी चीज़ से वंचित हैं, तो उनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है। तो 11 वचनों का जो पालन करेगा, सबसे पहली बात यह है कि साईं बाबा को सब मानते हैं, साईं की कोई नहीं मानता। तो हमारा जो सबसे पहला जो जोर है मेरी ओर से, हमारे शिरडी साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी की ओर से, शिरडी ग्रामवासियों की ओर से, हम लोग एक ही बात बोलते हैं कि आप सबसे पहले साईं बाबा को मानो या ना मानो, उनकी जरूर मानो। उनको मानने से कुछ नहीं होगा, उनकी अगर मैंने किसी की रिस्पेक्ट करनी है तो मेरे को दिल से करनी चाहिए, ऊपर से रिस्पेक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो साईं बाबा जी के जो वचन है 11 वचन है, और सबसे बड़ा जो वचन है साईं बाबा जी का, जो उनका मूल मंत्र है श्रद्धा और सबूरी, अगर हमारे अंदर वो चीज़ आ गई तो समझो हमें सब कुछ मिल गया। तो अगर कुछ नहीं मिलता तो वो हमारी रिक्वायरमेंट इलीगल होती है, लीगल नहीं होती, डिमांड लीगल जो होती है, कोई भी भगवान हो, कोई भी देवी देवता हो, हमारे माँ बाप हो, ये अपने आप फुलफिल कर देते हैं। इस मंदिर के बारे में जिस तरह से इस मंदिर ने इतना विशाल का रूप धारण, मंदिर में बहुत बड़ा लगाव है जी मंदिर का मेरा, हम लोग अपने बारे में नहीं बताना चाहते, हम लोग भी मीडिया से हैं तो नहीं बताना चाहते उसको। हमारा एक टारगेट होता है कहीं भी जाने का फ्री, हमारा कोई चार्ज नहीं होता। तो इस मंदिर से मेरा बहुत बड़ा लगाव है, मेरे परम पूज्य पिता श्री साक्षात साईं बाबा जी विराजित हैं सामने, इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे को, जो यहाँ मेरे को खींच कर लाते हैं। आज मैं लेट हो गया ड्यू टू पुअर कनेक्टिविटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, अदरवाइज मैं हवन भी अटेंड करता और माता रानी जी का भी आशीर्वाद साक्षात लेता। थोड़ा बसों की सर्विस नहीं है, हरियाणा पंजाब में कुछ आंदोलन चल रहा है, उस विषय में बसें नहीं मिली तो हम लोग लेट हो गए, पहला तो हमारे को ये सॉरी फील करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि कोई भी है, यही रिक्वेस्ट है हमारी, कोई भी है कि किसी को भी मानो और उनकी बातों को भी मानो। कि ये थे हमारे साथ जो स्पेशल शिरडी से आए हैं, इनका ये कहना है कि साईं की मानो या ना मानो लेकिन साईं को जरूर मानो, साईं की जरूर सुनो। मैडम आज का क्या विशेष कार्यक्रम है? आज का वही सुबह हवन हुआ है बाबा का, जैसे रोज चलता है, कल लास्ट दिन है, कल दशहरा का दिन है, जैसे नवरात्रों के दिनों में प्रतिदिन यहाँ पर हवन की प्रक्रिया। हाँ जी हाँ जी, रोज हवन चलता है यहाँ पे, 10 बजे से शुरू होता है हवन, 10 से 11 हवन होता है। अब कल जैसे निर्वाण दिवस है, वो प्रक्रिया कैसे रहेगी? सुबह स्नान होगा मतलब भक्तों द्वारा स्नान होता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से सिंपल जैसे मतलब करेंगे पंडित जी, उसके बाद फिर हवन होगा, फिर उसके बाद साईं जाप करेंगे हम 2:30 से 4 बजे तक, फिर उसके बाद बाबा की अम्बर समाधि बनाते हैं, विसर्जित करने के लिए उसको लेके जाते हैं नदी में,
मतलब पहले तो हम पैदल जाते थे भी सारे, इस बार गाड़ी में सब बैठेंगे अपने अपनी गाड़ी में, और बाबा की वो समाधि जो है वो ऐसे हाथ में लेके अंकल बैठेंगे या पंडित जी, तो सारे इकट्ठे हम जाएंगे वहाँ पे नहर में, वहाँ विसर्जित करके फिर आके फिर साईं जाप होगा और फिर उसके बाद आरती होगी। मैम ये जिस दिन साई निर्वाण दिवस होता है उस दिन क्या मंदिर कुछ क्षणों के लिए बंद भी किया जाता है? सुनने में नहीं, ऐसा कोई नहीं। बस उस दिन आपका शुभ नाम अंजू। ये हमारे साथ थे साईं भगत अंजू जी, जिन्होंने हमें विस्तार से पूरी जानकारी दी निर्वाण दिवस के बारे में और साईं बाबा की मान्यता के बारे में, साईं मंदिर की क्या मान्यता है, साईं की क्या मान्यता है, साईं के 11 वचनों की क्या मान्यता है। अगर उनका पालन किया जाए, हृदय से पालन किया जाए, तो कोई भी कष्ट और कोई भी दुख आपको छू नहीं सकता। मैं आपको और बता दूँ कि यह मंदिर जो है हरिओम अग्रवाल जी के द्वारा बनाया गया था, उनके द्वारा जो शुरुआत की गई थी, आज वो ऐसा माहौल बन गया कि करनाल का यह शिरडी साई मंदिर करनाल में ही नहीं बिल्कुल पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं। उन सबका यही मानना है कि हमने जो भी मांगा साई से, हमने जो भी मांगा वो हमें मिला है। साई ने कभी निराश नहीं किया, बशर्ते कि आपको साई में आस्था होनी चाहिए। साई का साथ हमेशा रखो, साई का हाथ हमेशा पकड़ कर रखो, साई आपसे हर मुसीबत को हर लेगा। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। आरती शुरू होने वाली है, पंडित जी उनकी तैयारी में जुटे हैं। जो श्रद्धालु हैं साईं बाबा के श्रद्धालु, वो भी आ चुके हैं। देखिए इस तरह से अब देखिए आरती शुरू हो चुकी है, किस तरह साईं बाबा जी का लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.